हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इन टुडे केमिस्ट्री क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड वी आर डिस्कस सम प्रॉपर्टीज इन अर्लियर क्लासेस अप टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन टुडेज क्लास आई विल स्टार्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड दे हैव मेल्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड दे हैव और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ओके, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एंड In any series, melting point and boiling point increases with first and then decreases with increasing atomic number. ओके, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में पी ब्लॉक ए ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड के कारण जो है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन क्या होता है, किसी सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पहले तो बढ़ता है, फिर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ने लगते हैं वैसे धीरे धीरे घटने लगता है। उसका कारण है कि डी सबसेल में जो है पेयरिंग होना शुरू हो जाती है, तो अनपेयर्ड होते हैं तब वहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जब पेयरिंग होने लगेगा तो मेटेलिक बॉन्ड थोड़ा वीक होने लगता है। इस वजह से जो है कि सीरीज के लास्ट में जो एलिमेंट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट वी विल सी दैट मैग्नीज एंड टेक्नीशियम Mn एंड Tc हैव एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है टेक्नीशियम Tc और मैंगनीज Mn का जो है कि एबनॉर्मल वैल्यू होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इज दैट टंगस्टन
टंगस्टन हैज टंगस्टन रिप्रेजेंटेड बाय डब्लू एज हाईएस्ट HIGH हाईएस्ट द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ओके रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन की बहुत ज़्यादा होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एयर विल बी आर एस रेजिस्टेंस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज 410 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पे उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए टंगस्टन को जो है कि हम फिलामेंट के रूप में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? टंगस्टन के फॉर्म में फिलामेंट में यूज़ करते हैं। मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मर्करी HG इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो माइनस मेल्टिंग पॉइंट MP इज माइनस 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके इतने कम टेम्परेचर पर ये मेल्ट करता है, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्हें बताया था कि किसी भी सीरीज में लास्ट में जब पहुँचेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट एकदम कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट में एबनॉर्मल चेंजेज आ जाते हैं। किसी भी सीरीज में अगर हम जाएँ तो जहाँ जहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड जब जब बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर पेयरिंग उसमें हो रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते जा रहे हैं तब तो वहाँ पे क्या होगा कम होता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डेंसिटी। नाउ यू कैन नोट दैट नाउ यू विल सी डेंसिटी। ओके आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि मेटल की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, पार्टिकल बहुत फास्ट फास्ट होते हैं, मास ज़्यादा वॉल्यूम कम, तो डेंसिटी क्या होती है बहुत हाई होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है हाई डेंसिटी ओके
ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड स्ट्रॉन्ग मेटैलिक बॉन्ड। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी के ज़्यादा होने के पीछे कारण है कि एक तो बहुत छोटे साइज के होते हैं, दूसरे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बहुत मेटैलिक होता है, यानी स्ट्रॉन्ग मेटैलिक बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और साइज छोटी होती है। इस वजह से इनका जो है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे। ओके, आई विल मेक अ कॉलम। स्टूडेंट, ये कॉलम है, इस कॉलम में ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में दिखा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, गैलियम एंड क्रोमियम, मिनी एफी एम एन कोबाल्ट, निकिल एंड कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। ओके, डेंसिटी अगर देखा जाए तो इसकी डेंसिटी 3.0 4.54 डेंसिटी 6.19। ओके, Fe 1.8 रॉन्ग, एम ए देन एफ ई। ओके, एंड 7.40 एंड 7.87 एंड कोबाल्ट 8.90। ओके, एंड लास्ट वन इज द जिंक, विच इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, इट इज 7.33। ठीक, ये इनकी डेंसिटी है। इसमें हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा डेंसिटी कॉपर की है, उसके बाद यहाँ पे सबसे कम डेंसिटी स्कैंडियम की है। स्कैंडियम लेस डेंस है और जबकि कॉपर क्या है, मोर डेंस है। आई बात समझे? इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ऑस्मियम हैज स्लाइटली लोअर डेंसिटी। सर्टेन लोअर डेंसिटी, दैट इज 22.52 ग्राम पर मोल, 22.52 ग्राम पर सेंटीमीटर, 52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी, इसकी डेंसिटी थोड़ी लो होती है एज कंपेयर टू इरिडियम, एज कंपेयर टू इरिडियम।
इरिडियम, इरिडियम का मेल्टिंग पॉइंट अरे डेंसिटी था 26.61 सेंटीमीटर क्यूब, ओके ग्राम पर, ओके ये डेंसिटी का ऑर्डर है। कह सकते हैं कि इरिडियम हैज, इरिडियम हैज हाई इरिडियम हैज द हाईएस्ट हाईएस्ट डेंसिटी अमाउंट ट्रांजिशन मीटर। ओके ट्रांजिशन मीटर में सबसे ज़्यादा अगर डेंसिटी की किसी की होती है तो वो है इरिडियम की, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक वॉल्यूम, नोट डाउन, ओके इफ यू आर नोटेड देन आई विल रेज। ओके अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है। एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड, डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड ड्यू टू द डिक्रीज इन, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ड्यू टू डिक्रीजेस इन साइज, साइज में कमी के कारण जो है कि ये एटॉमिक वॉल्यूम पूरे पीरियड में डिक्रीज होता है, पूरे पीरियड में क्या होता है डिक्रीज होता है। नाउ वी सी ए एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। नाउ वी विल सी द रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी क्या होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव दैन, लेस रिएक्टिव दैन अदर, ओके ड्यू टू हाई कंडेंसेशन एंथैल्पी, ड्यू टू हाई कंडेंसेशन एंथैल्पी, ओके ड्यू टू हाई कंडेंसेशन एंथैल्पी, ओके सम आर ऑलमोस्ट इनर, सम आर
समर ऑलमोस्ट इन अर्थ। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि एकदम इनर्ट होते हैं एंड नोन एज नोबल विंटर एंड नोन एज एज नोबल विंटर। इनको नोबल मेटल भी कहते हैं। सिल्वर गोल्ड एग्जाम्पल इज सिल्वर AG, AU, OS एंड IR इरिडियम। ओके, हमने यहाँ पे देख लिया कि वॉल्यूम तो किसी भी पीरियड में अलाउंड पीरियड जाते हैं तो कम होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि साइज वॉल्यूम जो है एटॉमिक साइज कम होने की वजह से वॉल्यूम कम होता रहता है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे देखें रिएक्टिविटी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट आर लेस रिएक्टिव देन अदर। क्यों होते हैं? ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर पीरियड की बात करते हैं तो सम आर ऑलमोस्ट इनर्ट। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो एकदम इनर्ट होते हैं, जिनको हम नोबल मेटल के रूप में जानते हैं, जैसे कि सिल्वर गोल्ड कॉपर ऑस्मियम इरिडियम प्लैटिनम। ओके, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि कभी जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। अभी इसके आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, they are well known for high tendency of complex formation। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण जो है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बहुत हाई टेंडेंसी इनके अंदर होती है। क्यों होती है? ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट इज व्हाट? स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। स्मॉल एटॉमिक साइज सेकेंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज एंड थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। एक तो ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, दूसरे साइज छोटी होती है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। तो ये जो है कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है
इसलिए ये इनकी जो है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अगला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवाइज करना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनते हैं। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे हमने ये जान लिया कि किस कारण से होते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। ओके, नाउ वी विल सी अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज कलर फॉर्मेशन, दैट इज कलर फॉर्मेशन, कलर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो मोस्टली कलर कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स सो कलर इन दियर कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। ओके, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डी डी ट्रांजिशन के कारण जो है कि कलर इनका आता है। अब कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन द मेटल, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन मेटल। ओके, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमा इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लिगेंड्स एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स और यू कैन राइट लिगेंड्स ओनली। तो अब हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि जो डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स होते हैं वो डी डी ट्रांजिशन के कारण क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, और उनके कलर शो करने के कारण ये जो है कि कलर शो करने के पीछे कारण क्या है कि मेटल किस तरह का है, क्योंकि इनके अंदर जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण डीडी ट्रांजिशन होता है। अब वो डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि मेटल कैसा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, लिगेंड किस तरह का है, कितने पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में इसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि अगर एग्जांपल के रूप में देखें कि अगर कॉपर ने H2O के साथ बनाया, एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं फटाफट, कॉपर Cu H2O
प्लस टू। ओके, इट्स कलर इज पेल ब्लू। पेल ब्लू। और यहाँ पे अगर कॉपर अमोनिया के साथ है CuNH3O4। ओके, पावर प्लस टू, तो इसका कलर डीप ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीप ब्लू। क्या? डीप ब्लू। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लिगेंड के कारण भी कलर चेंज हो जाता है। ओके, तो कल की क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।